गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 3 लिविंग इंग्लिश बुक पेज नंबर 34, बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर कम बैक मिस्टर सन। आई हैव सेंट यू अ फोटोग्राफ ऑफ योर पेज। मैंने आपको पेज नंबर 34 का फोटो भेजा है सॉल्व करके। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सी क्वेश्चन नंबर ई, यूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स दिए हैं, 6 एनिमल्स दिए हैं, और उनकी मूवमेंट को क्या कहते हैं आपको फिल करके लिखना है। जैसे फर्स्ट कॉलम में लिखा है हॉर्सेस और आगे डैश में लिखा है गैलप। इसी प्रकार से हॉर्सेस क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं गैलप। डक्स क्या करते हैं, स्विम करते हैं, स्विमिंग करते हैं। थर्ड स्नेक्स, स्नेक्स क्या करते हैं, स्लिदर। स्लिदर मतलब रेंगना। तो 3 स्नेक्स के अंदर क्या लिखेंगे आप, स्लिदर। रैबिट हॉप करते हैं, जैसे कैंगरूज हॉप करते हैं ऐसे ही रैबिट्स भी जंपिंग करते हैं और दौड़ लगाते हैं कूद कूद के, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, हॉप। बर्ड्स फ्लाई, आसान है, बर्ड्स उड़ती हैं। देन बटरफ्लाईज फ्लटर, फ्लटर मतलब लहराना, बड़ी नाजुकता के साथ में, तेज़ गति के साथ में दौड़ना, पंखों को फहराना। तो बटरफ्लाईज में क्या आएगा, फ्लटर। आई रिपीट, हॉर्सेस गैलप, 2 डक्स स्विम, स्नेक्स स्लिदर, रैबिट्स हॉप, बर्ड्स फ्लाई, बटरफ्लाईज फ्लटर। यू ऑल्सो स्पीक आफ्टर दिस ऑडियो। नाउ एफ, एफ इज सम वर्ड्स आर मेड बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स। मैच द कॉलम्स टू मेक न्यू वर्ड्स, राइट देम ऑन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव, एक कॉलम में नंबर दिए और एक कॉलम में अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, आपको मैच करना है और एक नया वर्ड बनाना है। जैसे अगर हम थंडर को 2 वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे तो नया वर्ड बनेगा, न्यू वर्ड बनेगा। तो थंडर को अगर हम जोड़ें डी स्टॉम के साथ, तो थंडर प्लस स्टॉम इज इक्वल टू थंडर स्टॉम। थंडर मतलब बिजली कड़कना, है ना, थंडर स्टॉम। जब बारिश आती है तो क्या होता है, थंडर स्टॉम्स आते हैं, तेज बिजली कड़कना। देन सेकेंड इज सनलाइट, सन प्लस लाइट इज इक्वल टू सनलाइट, सूर्य की किरणें। थर्ड इज स्नो प्लस फ्लेक, स्नो फ्लेक्स। जब आपने देखा हो हिल स्टेशंस पे स्नोफॉल होती है, या क्रिसमस में आपने आपकी बुक में साइड में बनाया भी हुआ है स्नो फ्लेक्स, तो उसको क्या बोलते हैं, बर्फ, सॉफ्ट स्नो को, बर्फ सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट स्नो को क्या कहते हैं, स्नो फ्लेक्स। देन जैसे सीजन्स होते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, ऐसे ही स्प्रिंग प्लस टाइम, स्प्रिंग टाइम, बसंत का मौसम, बसंत का समय, जब फूल खिलते हैं, तो दैट इज स्प्रिंग प्लस टाइम इज इक्वल टू स्प्रिंग टाइम। देन फिफ्थ इज रेन फॉल, रेन प्लस फॉल, बारिश का आना। नाउ स्पेल वेल, स्पेल वेल आपको दिया हुआ है, स्पेल मतलब बोलना। वर्ड्स सच एज स्पाइस, प्राइस एंड नाइस एंड इन आइस। बुक आप देखेंगे 34 पेज से लिखे 3 वर्ड्स को आप नोटिस करिए, सबके एंड में क्या है, आइस है। स्पाइस के भी मसाला मतलब, इसके भी एंड में क्या है, आइस। प्राइस के एंड में भी क्या है, आइस, और नाइस के एंड में भी क्या होता है, आइस। सिमिलरली वर्ड्स सच एज रॉ, सॉ एंड पॉ एंड इन ऑ। तो कुछ वर्ड्स के पीछे आई सी ई, आइस आता है, और कुछ वर्ड्स के पीछे क्या आया है, ए डब्ल्यू यानी ऑ। तो उसी प्रकार से आपको 6 पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको वो वर्ड लिखना है जिसके पीछे क्या आया है, क्या आए, आइस और ओ। कोई ऐसे वर्ड्स आपको बनाने हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर देखिए, क्या लग रहा है आपको ये, इट लुक्स लाइक राइस। तो या तो आई सी ई आएगा पीछे इसके, आर के पीछे, या फिर ए डब्ल्यू आएगा। अब आप खुद सोचो, फर्स्ट में क्या आएगा, राइस। सेकंड इज स्ट्रॉ, जूस पीने के लिए गर्ल क्या ले रखी है, ग्लास के अंदर क्या फिर उन्होंने डाला है, टू सिप द जूस, दैट इज स्ट्रॉ, ओ आया लास्ट में। थर्ड इज
माइस, छोटी छोटी चूहिया बहुत सारी होती है तो हम क्या कहते हैं, माइस। देन MICE माइस। फोर्थ इज दिस बॉय इज ड्रॉइंग अ पिक्चर, ये ड्रॉ कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, ड्रॉ, DRAW। नाउ फिफ्थ इज क्लॉज, क्लॉज मतलब जो क्या कहते हैं, पंजे। आपने देखा हो हर बर्ड के क्लॉज अलग होते हैं, शेर के अलग होते हैं, है ना, ईगल के अलग क्लॉ होते हैं, तो नाखूनों को, पंजे के नाखूनों को हम क्या कहते हैं, क्लॉज। देन सिक्स्थ इज डाइस, डाइस लूडो अपने सब खेलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो गीटा जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाइस। तो आपने देखे ये सभी वर्ड इनके एंड में क्या आया था, ICEAW। अब आपका होमवर्क क्या है, एक तो जिन स्टूडेंट्स के पास में बुक है वो इसी के अंदर इसको फिल करेंगे, और जिनके पास में बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करेंगे, देन इनके स्पेलिंग्स याद करेंगे, और कल हम आपको नया काम कराएंगे, और कम बैक मिस्टर सन के क्वेश्चन आंसर्स को आप लर्न करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।